वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ कामरान अहमद, यू आर वाचिंग कामरान इन्फो। आज फिर हम बात करेंगे एक वैकेंसी की, एक ओपनिंग की जो जनपैक में है। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या लोकेशन है, क्या प्रोफाइल है, क्या डिजिग्नेशन है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, आप भी अप्लाई कर सकते हो। अगर ये आपकी लोकेशन की नहीं है, आपके एक्सपीरियंस की नहीं है, आपके रिज्यूमे के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा आने वाली है जॉब से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो बात करते हैं, ये जनपैक की ओपनिंग है। आप देख सकते हैं प्रोफाइल R2R रिकॉर्ड टू रिपोर्ट है। पोजीशन की बात करें तो प्रोसेस डेवलपर में एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है मिनिमम 2 ईयर। अगर 2 ईयर प्लस आपको एक्सपीरियंस है तो आप इजिली अप्लाई कर सकते हो इस प्रोफाइल के लिए। उसके बाद बात करें CTC की, तो CTC यहाँ पर मैंशन नहीं की गई है। ड्यूरिंग इंटरव्यू यू कैन डिस्कस विद मैनेजर और HR। उसके बात करें हम क्वालिफिकेशन की, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है बीकॉम अगर आपने किया है तो इसलिए आप अप्लाई कर सकते हो। लोकेशन की बात करें तो नोएडा में ये ओपनिंग है, आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। अगर आप नोएडा में जॉब करना चाहते हो या नोएडा पर रिलोकेट हो सकते हो नोएडा, तो आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। मेरी भी लोकेशन नोएडा ही है। तो बात करें अप्लाई कैसे करना है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अप्लाई आपको इजी वे आपको दूंगा जहाँ से अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पर आपको क्लिक करना है। उस लिंक से आप डायरेक्ट हो जाओगे जनपैक की करियर साइट पे। वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिल करना है। जो भी आप रिक्वायरमेंट होगी, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें फिल करेंगे। नीचे एक ऑप्शन होगा, आप अपना CV वहाँ पे अटैच कर देंगे, देन सबमिट कर देंगे। कुछ नहीं करना उसके अलावा आपको। आपका जो भी एप्लीकेशन होगा वो जनपैक के रिक्रूटमेंट टीम के पास पहुँच जाएगा। आपको ज़रूर रिस्पॉन्स आएगा अगर आपका CV सेलेक्ट होता है तो। एंड ये वैकेंसी कुछ लोग अप्लाई भी करेंगे और बहुत लोग अप्लाई भी ना भी कर सके, क्योंकि बहुत लोग एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत लोग R2R के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग BCom नहीं किए हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं डेली बेसिस पे जॉब लेके आऊँगा। आपके अकॉर्डिंग जो होगी, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो होगी, आपके रिज्यूमे के अकॉर्डिंग जो होगी, उसको अप्लाई करो। आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करो, ज़रूर आपको रिस्पॉन्स होगा, ज़रूर आपको जॉब मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।